गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम आगे बढ़ेंगे और आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल यूजिंग गॉस लॉ हम उसमें फाइंड आउट करें। तो कंसीडर वी हैव ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। हमने एक आर रेडियस की थिन स्फेरिकल शेल मान ली जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज है इस तरीके से इसकी आउटर सरफेस पे, चार्ज है हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो चार्ज बेशक से आउटर सरफेस पे है लेकिन हम कंसीडर कहां करेंगे, इसके सेंटर पे। तो मान लीजिए सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी और ये चार्ज था क्यू। तो सिग्मा क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और क्यू क्या हो जाएगा बेटा आपका, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने क्या निकाल लिया कि यहां पे सेंटर पे कितना चार्ज है क्यू, गिवन क्या था, एक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर और उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आपने चार्ज निकाल लिया कि क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल एट एनी पॉइंट। अब वो पॉइंट कहां हो सकता है, दिस पॉइंट मे लाई आउटसाइड द स्फीयर, मे ऑन द स्फीयर और मे इनसाइड द स्फीयर। तो पॉइंट कहां हो सकता है, आउटसाइड द स्फीयर भी हो सकता है, ऑन द स्फीयर भी हो सकता है और इनसाइड द स्फीयर हो सकता है। तो मेरे पास तीन कंडीशन आई। मान लीजिए पॉइंट पी, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर from the center of the sphere, at a distance of r from the center of the sphere, जिस point पर आपको electric field intensity निकालनी है, वो point आपने क्या मान लिया कि sphere के center से r distance की दूरी पे है। अगर बाहर है, अगर वो point भी outside है, तो बेटा r की value इससे बड़ी हो जाएगी। कब? Outside the sphere। अगर ये ऑन द स्फीयर है तो बेटा आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और अगर ये इनसाइड द स्फीयर है तो क्या ये ऐसा हो जाएगा। तो तीन कंडीशन, पॉइंट पी मे लाई आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। तो अब आपको पता है जब भी गॉस लॉ आपको अप्लाई करना है तो यू हैव टू अज्यूम ए गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस मानी, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो मैं पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं पॉइंट बी पे, और वो पॉइंट पी कहां है, आउटसाइड द स्फीयर। तो आपने गॉसियन सरफेस मान ली इस पे ऑफ रेडियस आर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो बेटा देखिए ये स्मॉल एरिया हो गया इसकी सरफेस पे, डीए या डीएस वेक्टर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी परपेंडिकुलरली आउटसाइड जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यही हो। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, जीरो, तो ई डीएस कॉस जीरो।
तो यहां से आपके पास फाई ई आ गई बेटा आपकी ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अच्छा डीएस किस सरफेस पे है? गॉसियन सरफेस का एरिया ना, गॉसियन सरफेस पे स्मॉल एरिया डीएस है, तो जो टोटल एरिया होगा तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा या इस स्फेरिकल शेल का एरिया होगा? गॉसियन सरफेस का होगा, क्योंकि सरफेस किस पे लिया हमने, डीएस एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का। तो आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया बेटा तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आपने निकाला था कितना, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्यू नहीं गिवन था, हमें गिवन था सरफेस चार्ज डेंसिटी और स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर गिवन थी। तो क्यू क्या है? सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो बेटा फोर पाई से फोर पाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होता है? सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? सिग्मा क्या बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, गिवन थी आपको। आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल कांस्टेंट है, गिवन था आपको। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव फ्री स्पेस कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती? आर के ऊपर। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो यहां से आप कह सकते हैं, क्या आप यहां से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? कब? व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, याद रह जाएगा। ओके, सेकेंड केस क्या था बेटा? आर इज इक्वल टू आर। तो इसी इक्वेशन में R की वैल्यू पुट कर दीजिए स्मॉल r के इक्वल, स्मॉल r के इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए तो सेकेंड केस r इज इक्वल टू r ऑन द शेल तो इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर की जगह भी क्या हो जाएगा कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब थर्ड केस बेटा, when r is less than r, that is inside the sphere. Third case करते हैं, when r is less than r, that is inside the sphere. Okay? तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इसकी, इसको मैं रब कर देता हूं। तो पॉइंट कहां था बेटा आपका? इनसाइड। अब पॉइंट b कहां है? यहां है। तो अब क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, ऑफ रेडियस आर। अच्छा देखो, जो ये स्फेरिकल शेल है, इसका सारा का सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे। कहां पे है सारा सारा चार्ज? सरफेस पे। तो क्या इस गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज है? हम ऐसा
कंसीडर करते हैं कि चार्ज कहां होगा सेंटर पे, लेकिन एक्चुअल में है कहां सरफेस पे। तो जब सारा सारा चार्ज सरफेस पे है तो क्या इस क्वेश्चन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है? नहीं है। अगर क्वेश्चन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां है? ऑन द सरफेस। देयरफॉर फाई ई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू जीरो। और फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू जीरो और ई इज इक्वल टू जीरो। तो इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। क्लियर होगी बात? तो यहां से आपको क्लियर हुआ क्या कि अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है और उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है और वो पॉइंट स्फेरिकल शेल से बाहर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर वो ऑन द सरफेस है तो उसकी फिक्स वैल्यू है दैट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल है देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो। तो आइए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क मेरे पास ऐसे आता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसके लिए ग्राफ कैसा है आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमने x एक्सिस पे लिया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। x एक्सिस पे क्या लिया है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। और y एक्सिस पे हमारे पास क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब तक इस r की वैल्यू उसके रेडियस के इक्वल नहीं होती है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो वेयर r इज लेस देन r। जैसे ये r के इक्वल होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी और वो क्या थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा पॉइंट? व्हेन r इज इक्वल टू r। और आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो व्हेन r इज ग्रेटर देन r इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ व्हिच यू हैव टू ड्रॉ। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार पेपर में आता भी है कि प्लॉट द ग्राफ, तो इस तरीके ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ कोस्लो। तो यहाँ हमारी आज एप्लीकेशन ऑफ कोस्लो कंप्लीट होती है, ठीक है। इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।